Bạn có thể nói mình nói nhạc जी चैप्टर 20 में उन्होंने तस्निया का आपको जो है वो एक बार फिर तारुफ कराया था कि इसम का तस्निया कैसे बनता है आखिर में अलिफ नून लगा के हालत रफा में और नसब और जर में या नून के साथ। अब उन्होंने आपको कहा है सन्निल कलिमात अल्लती तहतहा खत्तुन, इसका क्या मतलब होगा? सन्निल कलिमात अल्लती तहतहा खत्तुन, सन्नी का मतलब क्या हो जाएगा? तस्निया बनाए, तस्निया बनाए उन वर्ड्स को जिनके नीचे लाइन है। तो सेंटेंस नंबर वन है आपके पास अल-जुमलातुल उला फी फी बैतिना फी बैतिना सल्लाजतुन, फी बैतिना सल्लाजतुन। इसमें सल्लाजा का तस्निया कैसे बनेगा? सल्ला ता तानी जी, फी बैतिना सल्लाजतानी सही, फी बैतिना सल्लाजतानी, हमारे घर में दो फ्रिज हैं। आसानी सेंटेंस नंबर टू क्या होगा जी? आपके पास सेकंड सेंटेंस सामने लिखा होगा ना, दखला लिस्सानी, दखलत दुकान अल-बारिहता लिस्सानी, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? दखलत दुकान अल-बारिहता, दुकान में दाखिल हुए, बारहा गुज़िश्ता रात लास्ट नाइट, और लिस किसको कहते हैं? लिस कहते हैं चोर को, थीफ, बिल्कुल सही। तो दखलत दुकान अल-बारिहता लिस्सानी यानी कि दो चोर दाखिल हुए जी। अल-जुमलतुस्सालिसा रअयतु फी मकतब अल-बरीदी, क्या वाकई बरकी या तानी सही। अल क्यों आएगा? अगर सेंटेंस अगर वर्ड पे ओरिजिनली अल है तो अल लगाए, वरना ना लगाए। रअयतु फी मकतब अल-बरीदी बरकी या तानी लका, क्या मतलब है इसका? रअयतु वह माना रअयतु, मैंने देखा, फी मकतब अल-बरीदी किसमें? नहीं, लाइब्रेरी इज मकतबतुन, हादा मकतब अल-बरीद, मकतब अल-बरीद पोस्ट ऑफिस, बरकियतन टेलीग्राम, तो बरकियतानी बरकियतैनी आफन सही, जज़ाकल्लाह खैर, बरकियतैनी, बरकियतन है तो तस्निया मनसूबा आएगा बरकियतैनी। रअयतु फी मकतब अल-बरीदी बरकियतैनी लका, मैंने दो टेलीग्राम देखे पोस्ट ऑफिस में जो आपके लिए थे, यानी आपके लिए। जी अल-जुमला अर-राबिआ साअश्तरी मित्रन को, क्या तस्निया कैसे बनाएंगे? तानी देखिए, तानी नहीं आप ऐड कर रहे, आप सिर्फ तस्निया में अलिफ नून ऐड कर रहे हैं। अगर वो वर्ड ऑलरेडी मोनस है ता के साथ तो उसका ता कंटिन्यू हो रहा है ना, अगर इसमें ता नहीं है तो फिर ता नहीं ऐड होगा। अच्छा मित्रानी होगा हालत नसब हालत रफा में, यहाँ पे मित्रन कौन सी अराबी हालत में मंसूब है, तो मंसूब का तस्निया क्या बनेगा? मित्रैनी, अश्तरी मित्रैनी मिन हादल कुमाश, मित्र जो है वो मीटर्स को कहते हैं और कुमाश कपड़े को कहते हैं। सअश्तरी मैं खरीदूंगा, मित्रैनी मिन हादल कुमाश, नहीं ये तमीज़ नहीं, मफ़ऊल भी ही है, इश्तरा यश्तरी का मफ़ऊल भी ही है मित्रैनी। الخامس ذهب ذبح تسنیا، आप बताएं ता आएगा या नहीं आएगा? आएगा। दजाजा कौन सी अराबी हालत में है सेंटेंस में नसब में, तस्निया कैसे होगा? दजा जतैनी ज़बह अभी दजा जतैनी, तर्जुमा क्या हो जाएगा? मेरे अबू ने दो मुर्गियां ज़बह की। उसके सामने सिक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है।
कूब कप को कहते हैं। जी यह वर्ड है कूबन, कूबैनी, अशरबू कूबैनी मिन लबनी कुल्ला यौमिन। क्या मतलब हुआ? अशरबू मैं पीता हूँ रोज 2 कप दूध के। नहीं, यहाँ पे दूध के माने में, इस किताब में लबन दूध के माने में, कुरान में भी जो है वो दूध के माने में लबन। जी असाबिया आइंदी रिया लानी, आइंदी रिया लानी, मेरे पास 2 रियाल हैं। वालेकुम अस्सलाम। असामिन उरीदु रिया लैनी, उरीदु रिया लैनी मंसूब, उरीदु का मफरूल रिया लैनी। नहीं, मैं चाहता हूँ 2 रियाल। अत्तासेर इश्तरैतु इश्तरैतु हाँ जिर, जिर किसे कहते हैं? जिर की जगह जमा पीछे आई थी अजरार, बटन। इश्तरई तू हाजा जिर भी रिया लईनी, ये रिया लईन की इराबी हालत क्या होगी? जर। बिल्कुल सही। نعم ثم العاشر أعرف لغتين، أعرف لغتين صحيح، ما جانته 2 زبان صحيح. ثم الحادي عشر في بلدنا لغتان، फिर वाहिदा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब लुगत 2 हो गई है तो फिर वाहिदा ख़त्म हो जाएगा। बला दिना लुगतानी, हमारे शहर में 2 ज़बानें हैं। सुम्मा सानी आशर हाद अल कलम बिदुला, वालेकुम सलाम, बिदुला रईनी, वालेकुम, हाद अल कलम बिदुला रईनी, ये कलम 2 डॉलर्स का है। अस्सालिस आशर मन कदरा, पहले फेल को सही तो करें। कतब तू रिसालतैनि इला अभी बात करो फिर। कतबत सही है, हाँ भी या कतबत माने में होगा तो, लेकिन बेहतर है कि अगर सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस बनाए जो कि ऑन इट्स ओन मीनिंग कंप्लीट कर रहा हो, क्योंकि कतबत ही अभी या यहाँ पे कौन है, पीछे कोई है तो नहीं जिसके बारे में हम कह रहे हैं। कतब तू वाजे है, या कतब ता कह सकते हैं, या कतब ती कह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ज़मीर मुकम्मल सही हो जाएगी कि उसको कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपने लिखा मैंने लिखा। सही। अर्राबे आशर नहीं, मजरूर हालत में रिया लैनी होगा, रिया लानी सिर्फ रफा में है, रिया लैनी नसब और रिया लैनी जर। जी अर्राबे आशर यकफीनी अलआना जुनई हुन, लिखा हुआ है यकफीनी अलआना जुनई हुन, जुनई हुन कल हमने लिखा था, जुनई हुन कहते हैं पाउंड को, और मिस्र की करेंसी भी जुनई हुन। यकफीनी कफा, यकफी का मतलब क्या होता है? काफ़ी होना, यकफीनी मेरे लिए काफ़ी है, अल आना इस वक्त, तस्निया कैसे करेंगे जुनई हुन का? जुनई हानी, रफा में है तो अलिफ नून, यकफीनी अल आना जुनई हानी, मेरे लिए 2 जुनई यानी 2 पाउंड जो है वो काफ़ी है। जी नीचे है इजअल कुल्ल मिन कलिमात इलातिया फी जुमलतैन, किताबानी का जल्दी से जुमला बता दें, किताबानी का जुमला क्या बन जाएगा? सिंपल सा बनाने में मुश्किल नहीं, हिंदी किताबानी, ठीक है हिंदी किताबानी, मेरे पास 2 किताबें, वो नहीं, वो किताबानी नहीं, और किताब बहनी, किताब बहनी का
हाजा मुब्तदा किताब ही नहीं खबर, खबर मरफू होनी चाहिए, किताब ही नहीं मरफू नहीं है। कतब तू किताब ही नहीं, बिल्कुल सही, कतब तू किताब ही नहीं। तो मतालिबानी कॉलेबई नहीं आसन, कॉलेबई नहीं अवलन, कॉलेबई नहीं। आपने जो सीधा लिखा है अश्तरी किताबानी नहीं होगा, और अम्स के साथ अश्तरी नहीं आएगा, अम्स इस गुजरा हुआ कल, तो उसके लिए माजी का सीगा आएगा इश्तराई तू, और चूंकि इसमें फेल फाइल हो गया है तो मफूल किताबानी फिर हालत रफा में नहीं आ सकता, मफूल हालत नसब में आएगा, तो इश्तराई तू किताबई नहीं अम्स। जी तालिबई नहीं का तर्जुमा और सेंटेंस हादल कलम तालिबानी, ये कलम तालिबान है। तालिब पहले तालिबई नहीं कर लेना, रफा या नसब, नसब या जर्म है। जी अश अशरबू, अशरबू का मतलब होगा मैं पी रहा हूँ, तो मैं पी रहा हूँ तालिबान को, तालिबान नहीं है। दो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स के साथ आप क्या कर कह सकते हैं? जी आपकी मर्जी है, जैसे आपको जुमले में। कौन सी अराबी हालत वाले इस्तेमाल कर रही हैं? तो तालिबई नहीं हालत नसब या जर है, तो आपको रीजन नसब या जर कराना होगा। फाइल कौन सी अराबी हालत में होता है? रफा में होता है। नहीं ज़ुरिबत के लिए फिर नायबुल फाइल, नायबुल फाइल वो हालत रफा में होता है। तालिबई नहीं ज़हबा तालिबानी होगा, ज़हबा तालिबई नहीं होगा, ज़हबा गए तालिबानी फाइल बनेगा। तालिबानी जदीदानी फिल मकतबत आना, बिल्कुल सही, बस इसको आप थोड़ा सा आगे पीछे कर दें और कह दें फिल मकतबती तालिबानी जदीदानी आना, या फिल मकतबत आना तालिबानी जदीदानी। ज़रब तू तालिबानी कर सकते हैं आप, ज़रब तू तालिबानी, ज़रब तू तालिबानी क्यों कर सकते हैं? मैंने मारा, अब वो मनसूब मफ़ऊल हो जाएंगे। ठीक है जी, सल्लम तू अला तालिबानी बिल्कुल सही है, सही। अब आपको ये बता रहे हैं अहदुहुमा और आखर का इस्तेमाल। अहदुहुमा का क्या मतलब है? इसमें अहद अलग वर्ड है, हुमा हुमा का क्या मतलब होता है? दो का, दो की ज़मीर है, और आखर का क्या मतलब होता है? दूसरा। तो अहदुहुमा उनमें से एक, वल आखर और दूसरा। जैसे पहला सेंटेंस है ली अखवानी, मेरे दो भाई हैं। अहदुहुमा तबीबुन, उनमें से एक क्या है? डॉक्टर है। वल आखरु मुहंदिसुन, और दूसरा इंजीनियर है। जी हमाद भाई, उसके बाद क्या है सेंटेंस नंबर टू? माइक में, माइक मौजूद। नाम जाअतहुम में तालिबैनी, आपने जाअत मोनस का सीगा, मोनस का सीगा इस्तेमाल नहीं होगा, जाअहुम तालिबैनी हो जाएगा, उनके पास आए दो तालिब। ली जी कराआ, जी, मफ़ूल नहीं बनेगा, मफ़ूल बनेगा, फाइल नहीं बनेगा, इस जुमले के अंदर मफ़ूल नहीं बना ना, तो वही तो जुमले के अंदर मफ़ूल बनाना है, वो बना दिए, जुमले बन गए, आगे चलो भाई। शेख इन शॉर्ट करना क्या है इसमें? अभी तो सेंटेंस रीड करना है ना, सेंटेंस नंबर सही। टू रीड करना है और तर्जुमा बताना है। लिहादिह الحافلتي باباني أحدهما للدخول والآخر للخروج. ترجمة باباني شيخ بس میں سے الف نون ہٹا دیں کیا بچا؟ بس تھی باب، باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو کہتے ہیں، تو بابانی اچھا کیا ہو جائیں گے؟ دو دروازے، دو دروازے، یہ اردو والے بابے نہیں ہیں، اور حافلہ بستی کو کہتے ہیں نا شیخ، حافلہ کہتے ہیں، بس بس کو قریہ کہتے ہیں بستی کو. لہذه الحافلة بابان، یہ دو دروازے واپس بستے پڑھیں گے ہیں. تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی، صحیح، ایک بار پڑھنا ہے، ٹھیک، پہلی بار ایسے پڑھنا ہے کہ معنی کلیئر ہو، لیکن ایک بار قرات کر کے پھر واپس پڑھنا ہے، مطلب پہلی بار آپ نے ثواب کی نیت سے پڑھا تھا، سمجھنے کی نیت سے نہیں پڑھا تھا، صحیح. صحیح ہے؟ اچھا یہ دو دروازے بس کے ہیں، نہیں، لہذه الحافلة، اس بس کے دو دروازے، دو دروازے ہیں، ان میں سے ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے. ایسے زبردست. عندي قلمان قلمان، میرے پاس دو قلم ہیں. بالکل صحیح. احدهما ازرق 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 سوری والاخر احمر، ان میں سے ایک نیلا ہے اور دوسرا لال. صحیح. عندي معجمان، میرے پاس
मुअज्जमान से मुअज्जम डिक्शनरी डिक्शनरी मेरे पास दो डिक्शनरियाँ हैं अहदुमा उनमें से एक इंग्लिजिया एक अंग्रेजी की है इंग्लिजियन में से एक अंग्रेजी की है वल आखरु फ्रांसियन और दूसरी फ्रांसीसी है बिल्कुल सही इंग्लिजियन खबर है शेख पेश मतलब तनवीन आएगी इसमें जी इंग्लिजियन इंग्लिश लना बैतानी हमारे लिए दो घर हैं अहदुमा फिल मदीनती वल आखरु फिल क़रियती उनमें से एक मदीना में है और दूसरा बस्ती में है तो पहले वाले को मदीना शहर कर दे शहर एक उनमें से शहर में है और दूसरा बस्ती मदीना में बस्ती में है गांव में अश्तरीतु अश्तरीतु नहीं अश्तरीतु नहीं इश्तरीतु 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 कमीज़ सही क्या नहीं नहीं क्या नहीं मैंने खरीदी दो कमीज़ें बिल्कुल सही अहदुहुमा ली उनमें से एक मेरी है वल आखरु अल अखी ली ली लि अखी सगीर मेरे छोटे भाई के लिए अहदुहुमा ली उनमें से एक मेरे लिए है वल आखरु लि अखी सगीरी और दूसरी मेरे छोटे भाई के भाई की है सही जज़ाकअल्लाह खैर तो जी अमन क्या समझ नहीं आ रहा कौन तो कौन सी अरबी हालत में आएगा तो फिर पीछे ही हल कर लिया करें ना जी कमी सही थी कौन सी अरबी हालत में है अच्छा जन्म आने के कितने रीजन होते हैं दो या फिर पीछे हर्फ जर मौजूद है मुजाफ इलैह बन सकता है नहीं मुजाफ इलैह के लिए पीछे कौन मौजूद होना चाहिए मुजाफ होना चाहिए मुजाफ क्या होता है इसम होता है इसम पीछे होता इसम मौजूद है नहीं है नहीं तो फिर इसका मतलब है कि ये हालत जर में तो नहीं है फिर कौन सी हालत में मंसूब आलम नसब में है नसब में क्या रीज़न होता है पहला मफूल हो मफ़ूल होता है क्या ये मफ़ूल बन सकता है जी जी तो इश्तराइतु का ये मफ़ूल बन जाएगा कौन सा वाला सही ओके तो उसको हम चैप्टर ख़त्म होने वाला है उसके बाद कर लें फिर ओके जी अहदुहुमा लि अखी ली वल आखर अखी कौन कौन असगीर सिफत है अखी अख की सिफत है असगीर तअम्मल अम तअम्मल तिलाती तअम्मल अमसिलत तअम्मल अम तिलाती आतियती अमसिला अमथिला तल तल आतियती तअम्मल फेल अमर है आप गौर करें इस सही चीज़ पर गौर करें वो मफ़ूल बन जाएगा अल अमसिलत अल आतिया मुंदरिज़ मिसालों पर ले इहदाहुमा वल उखरा पहले क्या था अहदहुमा वल आखर वो था मुजक्कर का अहद की मौनस क्या है इहदा और आखर की मौनस क्या है उखरा तो अब ये मौनस में आपको बता रहे हैं ये मोनस में शेख जी और तस्निया का सीगा भी है ना ये तस्निया का हुमा है ना हुमा तस अहद का मतलब होता है एक और सही इहदा उसकी मौनस होती है एक सही आखर होता है अदर और मौनस होती है उखरा सही तो अभी पीछे जो तरीका गुजरा था अहदहुमा वल आखर ये था मुजक्कर के लिए सही अभी आपको बता रहे हैं कि अगर मौनस चीज़ों में आपने बताना हो तो आप किस तरह बताएंगे मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस देखें ली उख्तानी मेरी दो बहनें हैं मेरी दो बहनें आप दो बहनों में से एक को कैसे रेफर करेंगे वो आपको बता रहे हैं आप अहदहुमा नहीं कह सकते क्योंकि अहद तो मुजक्कर के लिए होता है उख मौनस है तो आप किस तरह कहेंगे इहदाहुमा इख्दाहुमा सही ठीक है इन दोनों में से एक इहदाहुमा यानी इहदल इख्वतैनी दो बहनों में से एक जो है वो क्या है आगे देखें इहदाहुमा इख्दाहुमा मुदर्रिसतुन एक जो है उनमें से उस्ताद है मुदर्रिस है टीचर उस्ताद है है उस्ताद का मौनस क्या होता है उस्तानी उस्तानी वल उस्तादा उख्रा मुमर्रिदतुन और उनमें से दूसरी उनमें से दूसरी नहीं उसमें से दूसरी और दूसरी बस उनमें से कब आया था जब हुमा आ रहा था सही हुमा में हुमा था इसलिए उनमें से था यहाँ पे हुमा नहीं है और जो दूसरी है मुमर्रिदतुन शेख नर्स नर्स मरीज का ख्याल करने वाली इंदी सय्यारतानि मेरे पास दो गाड़ियां हैं इहदाहुमा उनमें से एक हमराउ लाल है बिल्कुल सही वल उखरा और दूसरी बैदाउ वाइट सफेद सफेद है थोड़ा सा भूल गया छुट्टियां किया बस नहीं सर्दियों में अंडे आएंगे ना आपके वाला नहीं फी करियतिना हमारी बस्ती में मदरसतानि दो मदारिस हैं वो स्कूल है स्कूल है इहदाहुमा उनमें से उसमें से एक मुतवस्सिता मिडिल स्कूल मिडिल स्कूल है वल उखरा तानवी जाती तानवी और यतन
ثانوية سكندري سكندري. كتبت اليوم رسالتين لیکن لیکن چلیں کرتے ہیں صحیح پڑھیں میں نے آج لکھے دو آپ رسالے نے کہا کتب تل یوما آپ نے آج لکھے آپ نے آج لکھے دو رسالے دو رسالے احداہما احداہما الابی ایسے کیسے کہتے ہیں آپ ملا کیوں رہے ہیں ملانے کے لیے آپ کو بیچ میں حمزہ چاہیے نا یا الف وہ لکھا ہوا تو نہیں ہے احداہما لابی لی ابی اس میں سے ایک میرے والد کے لیے واخرى اور دوسرا والاخرى والاخرى لصديقي اور دوسرا میرے دوست کے لیے اب آپ سوچیں آپ نے کہا کہ آپ نے دو رسالے لکھے ہیں ایک میرے ابو کو لکھا ایک میرے دوست کو لکھا تو اس لیے سینٹینس میں زیادہ بہتر کیا ہوگا میں شروع میں کہوں کتب تو میں نے لکھے ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ نہ ہو تو صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مانا بھی صحیح ہے آپ لکھ سکتے ہیں میرے ابو میرے دوست کو بھی خط لکھ سکتے ہیں میں منع نہیں کروں گا لیکن ویسے کانٹیکٹ متوسطہ کو پرائمری اسکول کہہ سکتے ہیں لیکن مدرسۃ الابتدائیہ کہا جاتا ہے جو اصل میں یہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ پرائمری سیکنڈری ہوتا ہے کچھ جگہ پہ لوور کو کیا کہتے ہیں پرائمری نہیں کہتے کچھ اور شاید کہتے ہیں مڈل اینڈ سیکنڈری ہوتا ہے مڈل سے کم والے کو کیا کہتے ہیں پرائمری کہتے ہیں پرائمری مڈل اور پھر سیکنڈری پتہ نہیں چھوڑیں بس ہمارا عربی میں جو ہے مدرسۃ الابتدائیہ ہو جائے گا متوسطہ ہو جائے گا ثانویہ ہو جائے گا اسکول نہ پڑھے تو اچھا ہے سیدھا اصلی والے مدرسے میں ہی پڑھ لیں مدرسے ہی کہیں گے اس بک میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بک میں اصل میں ہر جگہ یہ تو پاکستان میں اس طرح مدرسہ سسٹم ہے نا ہر جگہ پہ اس طرح مدرسہ سسٹم نہیں ہوتا کچھ ممالک میں جس طرح اسکول ہوتی ہے اسکولنگ نہیں رہے وہ دینی تعلیم بھی ساتھ ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ مدرسے والوں کو سائنس پڑھاؤ وہ کہتے ہیں سب کو سائنس اور وہ بھی دونوں چیزیں پڑھا صرف سائنس نہیں رہتے جی اصل میں ہمارے یہاں پہ مدرسے سے مراد ایک الگ مدرسہ ہوتا ہے اور اسکول سے مراد ایک الگ اسکول ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوژن آتی ہے جی الخامس جاءت مدرسانی جدیدتان مدرستان مدرسانی کیوں نہیں ہو سکتا مؤنث ہے کون مؤنث ہے یہ مدرسان یہ مؤنث ہے نا اگر میں پوچھ رہا ہوں یہ مذکر کیوں نہیں ہو سکتا جاءت جاءت جب فعل مؤنث ہے تو پھر آگے فاعل مؤنث چاہیے فاعل مؤنث چاہیے جدیدتان یعنی کہ آئے دو مدرس نئے آئیں دو مدرس نئی ثانیہ یعنی ان میں سے ایک سیرت کے لیے ہے احداہما للسیرت والاخرى للتفسیر ان میں سے ایک جو ہے سیرت کے لیے ہے اور دوسری تفسیر کے لیے بارک اللہ فیک اور ایک آن لائن جواب آیا ہے کہ وہ پھر ایلیمنٹری کہلاتا ہے ایلیمنٹری مڈل اور ہائی اسکول اچھا جی تو یہ ان دونوں آپ کو ایک سر نے کیا بتایا کہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے احد اور مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے احدا اور پھر ان دونوں میں سے ایک تو احداہما احدہما اگر یہ جمع کا صیغہ ہوتا تو احدہم یا احداہن اس طرح استعمال ہو جاتا والآخر اور دوسرے کے لیے جی احداہما حمراء احمر احمر للمذکر والحمراء للمؤنث افعل للمذکر والفعلاء للمؤنث جی معاذ بھائی آپ پڑھیں جا جا یا جیو کا معنی ہوتا ہے آنے کا جا جات آئی کیم کے معنی میں جی جتنے بھی نہیں ہوتے سارے رنگ رنگ الگ طریقے سے بھی آتے ہیں لیکن یہ والا جو طریقہ جی سارے نہیں سارے رنگ فٹ نہیں ہوں گے بنف سجی پرپل کو کہتے ہیں وہ اس میں بالکل بھی فٹ نہیں ہوگا تو جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں وہ فٹ ہوں گے احمر و حمراء اسفر و صفراء ازرق و زرقاء جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں وہ فٹ ہوں گے لیکن کلر تو اور بھی طرح کے ہوتے ہیں جن کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں لونین کا میرا لونین کا ابھی سر پہلے سینٹر اچھا آگے ہوگا دو بتائیں گے نا ابھی پڑھیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ جی موج تعالیٰ امثلۃ الآتیہ نمبر 1 هذا القلم ذو اللونين مفيد جدا یہ پین لون لونین لون کلر کلرز دو کلر والے اور بہت فائدہ مند مفید بہت فائدہ مند ہے هذا القلم ذو اللونين مفيد جدا اچھا اب یہ سینٹنس آپ کے خیال میں جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے اسمیہ ہے اس میں کوئی فعل ہے نہیں جملہ اسمیہ میں کیا دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدا خبر مبتدا والخبر اس سینٹنس کا مبتدا کہاں سے کہاں تک ہے هذا القلم اور خبر کا ہے مفید ہوگا مضاف اللونين مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا مبتدا خبر میں کیسے فٹ ہوگا مفید تو خبر ہوگا نا مفید خبر ہے یہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے مفید آپ کی بات صحیح ہے خبر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے کا سب کچھ کیا ہے مبتدا مبتدا ہے تو ذو اللونین کیا ہے شاید ذو اللونین دو تو مضاف کے لیے ہوتا ہے پوزیسر مضاف یا تو مبتدا کی جگہ پہ آئے گا کچھ تو اس کا رول ہوگا نا سینٹنس میں مضاف مضاف الیہ بھی یا سینٹنس میں مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا یا کچھ اور ہوگا یہ کچھ کیا بن سکتا ہے
ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि टेक्निकली ये पूरा मुब्तदा बनेगा, हादल कलमु ज़ुल्लौनैनी, यहाँ तक पूरा मुब्तदा चल रहा है। लेकिन अब फिर भी अगर अंदर देखते हैं, ज़ुल्लौनी भाई की बात ये बिल्कुल सही है कि ज़ू मुज़ाफ़ है, लौनैनी मुज़ाफ़ इलैह, इसमें लौनैनी हालत जर्म है और ज़ू जो है वो आपको इससे पता है मुज़ाफ़ की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ज़ुल्लौनैनी का आगे पीछे क्या ताल्लुक कहलाएगा? ऑनलाइन जवाब आ गया, बिल्कुल सही जवाब आ गया माशाल्लाह, लेकिन ऑन कैंपस वालों का साबुन आज सिलो है, चाय नहीं पीना भी, मगर क्यों चाय पीते हैं। ये दो रंगों वाला क्या है? किसकी? कलम की। तो कलम की ये पूरी सिफ्त है, वो अलग बात है ना, मैंने कहा ना पूरा मुब्तदा है, ये बात आपकी सही है, लेकिन ज़ुल्लौनैनी का क्या ताल्लुक है? ज़ुल्लौनैनी अल कलम की सिफत है, ठीक है। अब एक सवाल है, अल कलम मारफा या नकरा? मारफा। मारफा है। ज़ुल्लौनैनी मारफा या नकरा है? मारफा है। कैसे पता चला? अल्लौनैनी मुज़ाफ़ इलैह मारफा, तो ज़रूर मुज़ाफ़ इलैह को देखेंगे, क्योंकि मुज़ाफ़ पे तो अल आएगा नहीं, तनवीन आएगा नहीं, मुज़ाफ़ इलैह अल्लौनैनी मारफा के साथ है। अगर मुझे कहना होता ये कलम दो रंगों वाला है तो मैं कैसे कहता? ज़ुल्लौनैनी कहता फिर मैं, ज़ू लौनैनी कह देता, फिर मैं मुफीद नहीं कह सकता था, हादल कलम ज़ू लौनैनी, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता था, ये कलम दो रंगों वाला है। इन्होंने कहा हादल कलम ज़ू लौनैनी, ये दो रंगों वाला कलम, अगर बिल्कुल एक्यूरेट उसका तर्जुमा करेंगे तो ये दो रंगों वाला कलम मुफीदुन जिद्दन, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी रह गया कुछ नहीं? ओके जी आसानी। طيب قميص غسلت يا أمي غسلت القميص ذا الجيبين صحيح ترجمة أمي آپ نے کون سی قمیص دھوئی ہے اور پھر امی رسپونڈ کرتی ہے نا کہ غسلت میں نے دو جیبوں والی قمیص دھوئی دو جیبوں والی قمیص دھوئی ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہے ایا قمیصن یہ آپس میں کیا ہے ایا قمیصن مضاف مضاف الیہ کیسے پتہ چلا مضاف پہ ال نہیں ہے تنوین نہیں ہے اور مضاف الیہ मजरूर में आप, ठीक है। अब अय्या एराबी हालत क्या है? मंसूब है या मरफू है? मरफू है। मरफू है, मरफू तो होता है ज़म्मा से, अय्यू यहाँ पे है अय्या। अगर इसको मरफू बनाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसको मरफू बनाते हैं सेंटेंस में, ये क्या बनेगा? मुब्तदा। तो मुब्तदा को खबर चाहिए होगी, खबर क्या बनाएंगे? अय्यू कमी से मुब्तदा बना देंगे। पहले उस वाले दरवाजे को क्लोज करें ना, वहाँ पे एक दीवार लाएं कि आगे जाने का रास्ता नहीं है, फिर वापस आएंगे फिर करेंगे। अय्यू कमी से अगर मुब्तदा बनता है तो फिर खबर कहाँ से आएगी? अगर इसको अय्यू कमी से करना होगा ना तो फिर आगे सेंटेंस में एक चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज क्या करना पड़ेगा? गसल की ही करना पड़ेगा, गसल की के साथ आपको फिर एक ज़मीर लानी पड़ेगी जो मफूल बने उसकी। कौन सी कमीज आपने धोई है उसको, यानी किस कमीज को आपने धोया है? गसलती फेल है और जो फाइल है, फाइल है, ठीक है। गसलती, अभी हमारे पास गसलती जो लिखा हुआ है वो फेल और फाइल तो है, इसका मफूल का है तो वो तो मैं कह रहा हूँ अगर उस तरह करेंगे तो मफूल चाहिए होगा। अगर अभी देखते हैं तो इसका मफूल का है, कमीज पीछे एक चीज मौजूद है, अय्या कमीसन, अय्या कमीसन, अय्या कमीसन जो है ये मफूल है गसलती का। जब सवाल करते हैं तो सवाल में बात की चीज पहले आ सकती है, तो अय्या कमीसिन मफ़ूल भी है गसलती का, ठीक है। इस वजह से अय्या कैसी है? हालत नसब में अय जो है अय्युन अय्यन अय्यन, ये मबनी नहीं है, ये मौरब है। जी जी जी, इस्तेफ़ाम में मुकद्दम हो जाता है। मन अंता असल में था अंता मन, लेकिन हम अंता मन नहीं कहते, मन अंता कहते हैं, ताकि सवाल जब शुरू हो तो ऐसे वर्ड से शुरू हो सामने वाले को समझ में आने के सवाल हो रहा है। जी असालिस المدير في دل في تلك الغرفة ذات النافذتين ذات النافذتين المفتوحتين. خيال سے ترجمہ ہے. المدير مدير اس کا المدير مدير پرنسپل پرنسپل في تلك الغرفة اس کمرے میں ہیں ذات النافذتين المفتوحتين دو دروازے نہیں ہیں دروازے آپ نے ایڈیشنل بونس دے دیے تو ایک الگ بات ہے इसमें दो खिड़कियां खुली हुई हैं, खुला हुआ चाबी मिफ्ताह होती है। अल मुदीरु मुदीर है कि तिल्कल गुरफति रात नाफिज़तैन मफ्तूहतैन उस दो खुली खिड़कियों वाले कमरे में, ये नाफिज़तैन मफ्तूहतैन दो खुली हुई खिड़कियां, रात नाफिज़तैन जात क्या होती है? ज़ू की मुअन्नस, ज़ू की मुअन्नस जात, तो गुरफा चुके मुअन्नस है इस वजह से जात आ गया, तो मुदीर उस दो खुली खिड़कियों वाले कमरे में है। ذات یہ جو ذات النافذتین المفتوحتین یہ پوری کیا بنے گی؟ صفت بنے گی۔ ابھی یہ ذات النافذتین المفتوحتین یہ پوری صفت بنے گی۔
ठीक है, अब ये सिफत किसकी बनेगी? गुरफा की। गुरफा कौन सी है राबी हालत में? मजरूर है। तो जब मौसूफ मजरूर है तो सिफत मजरूर आएगी। आपस को छोड़ना, जात को देखोगे ना, जात मुजाफिले तो नहीं है ना, आगे वाले तो मुजाफिले ही है, नाफिजतैन मुजाफिले ही है, तो वो मजरूर है, मफतूहतैन उसकी सिफत है, तो वो अपने मौसूफ की वजह से मजरूर है। ठीक है, फी तिलक अलगुरफा ये मजरूर हो गया फी की वजह से, गुरफा की सिफत जात नाफिजतैन मफतूहतैन ये पूरी मजरूर हो गई, जाती से एराबश हो गया, नाफिजतैन मुजाफिले होने की वजह से मजरूर हो गया, मफतूहतैन नाफिजतैन की सिफत होने की वजह से मजरूर हो गया। जो आपने तर्जुमा किया गया है, मुदीर इस कमरे में है जिसकी दो खिड़कियां खुली हैं, ये जिसकी का जो तर्जुमा होता है ये उस वक्त आता है जब इसमें मौसूल आए, यहाँ पे इसमें मौसूल इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका तर्जुमा सही जो ग्रामेटिकली होगा वो होगा मुदीर उस दो खुली हुई खिड़कियों वाले कमरे में है। ठीक है जी, अब सलमान भाई आ गए, हम जल्दी खत्म करें। लिमन हादी सयातु दातुल दातुल बाबैनी, वो ये किसकी, ये किसकी गाड़ी है जिसके दो दो जिसके जिसके कर रहे हैं जिसके किसकी गाड़ी है दो दरवाजे, ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी दो दरवाजों वाली गाड़ी है, कौन सी नहीं किसकी, ये किसकी दो दरवाजों वाली गाड़ी, ये दो दरवाजों वाली गाड़ी, ये दो दरवाजों वाली गाड़ी किसकी किसकी है, आपको भी सही है, बस उर्दू में किसकी को बाद में जाएंगे तो बेहतर हो जाएगी, ये दो दरवाजों वाली गाड़ी किसकी है या किसके लिए। आगे जी जी आगे, लावतल मस्जिदुल मनार होता ही नहीं जमीन जिद्दन, वो दो मीनारों वाली मस्जिद बहुत खूबसूरत है। बारकल्लाहु फीक, क्या ना सलमान भाई आते हैं ना क्लास की, फिर माशाल्लाह। انا لا احب ذاك الرجل فانه ذو وجهين, मैं उस वजहैन दो चेहरे वाले, लेकिन अब ये थोड़ा सा ख्याल करें, فانه ये बीच में एक चीज आ रही है, انا لا احب ذاك الرجل ये अलग हो जाएगा, فانه ذو وجهين ये अलग हो जाएगा, दो जुमले انا لا احب ذاك الرجل इसका क्या मतलब होगा, मैं उस शख्स उस आदमी को नहीं पसंद करता, नहीं पसंद करता, ये एक सेंटेंस है ना, ला उहिब्बु ज़ाकर रजुल, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता। अब उसकी वजह बता रहे हैं, फ इन्नहु ज़ू वजहैन, टू फेस्ड है, क्योंकि या फा क्या करता है, अतफ करता है, वाओ की तरह ये भी अतफ करता है, और इन्ना आ गया, इन्ना को फिर एक इसम चाहिए होता है, एक खबर चाहिए होती है, इन्ना का इसम कैसा होता है, इन्ना का इसम कैसा होता है, मंसूब होता है, इन्ना की खबर मरफू होती है, तो इन्ना के आगे ज़मीर आ गई हु नसब की जगह पे, क्योंकि बेशक वो कैसा है, जू वजहैनी क्या है, खबर है इन्ना की, खबर आमतौर पे कैसी होती है, आमतौर पे मरफू की बात नहीं होती, मरफू और मनसूब जो है ना वो तो डेफिनेट वाले होते हैं, आमतौर पे बात किसकी होती है, खबर आमतौर पे नकिरा होती है, भाई आमतौर पे का फाइल आमतौर पे कैसा होता है, ये कोई बात ही नहीं होगी, फाइल मरफू होता है आमतौर पे, से उसमें कोई सवाल नहीं है, मुब्तदा आमतौर पे कैसा होगा, मारफा होगा, क्यों, क्योंकि कभी कभी नकरा भी आ जाता है, खबर आमतौर पे कैसी होगी, नकरा होगी, कभी कभी मारफा भी आ जाएगी, तो खबर यहाँ पे कैसी है, नकरा है, कैसे पता चला, किस पे, वजहैनी पे जो है वो अल नहीं, ठीक है जी, तो फइन्नहु ज़ू वजहैनी, क्योंकि वो दो चेहरों वाला है, दो चेहरों वाले से मुराद क्या है, नीचे उन्होंने आपको बताया हुआ है, अल कलिमातुल जदीदा में देखें, रजुलुन ज़ू वजहैनी अल्लज़ी यती कुल्ल ताइफ़तिन बिमा युर्ज़िहा, वो जो आता है हर ग्रुप के पास किस चीज़ से, बिमा युर्ज़िहा, वो जो उसको राजी करे, सलमान साहब के पास जाएगा तो सलमान साहब को राजी करेगा, हमारे साहब के पास जाएगा तो हमारे साहब को राजी करेगा, और सलमान भाई और हमारे भाई की आपस में नहीं बन रही तो दोनों को ये कैसे राजी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको भी अलग चेहरा दिखा रहा है, इसको भी अलग चेहरा दिखा रहा है, जब मस्जिद जाते हैं तो टोपी भी पहन लेते हैं, कुर्ता शरारा भी पहन लेते हैं, और फिर जब उधर जाते हैं तो उधर भी ख्याल कर लेते हैं, तो आप दीन दुनिया को बैलेंस करके चले ना, आप एक्सट्रीमिस्ट ना बने, शेख जी यहाँ पे ये तो ज़ू वजहैनी है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िलैह भी, और साथ में खबर भी, दोनों ज़ू वजहैनी आपस से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िलैह है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िलैह टोटल मिला के पैकेज बन रहा है, खबर जी जी ज़ू वजहैनी मुनाफिक कोई करे, हिपोक्रेट आता है, कुल्ल ताइफ़तिन हर ग्रुप को, यानी जाता है उनके पास, जा होता है जाना या आना, हाँ तो आना या जाना, आई ना, हाँ अता यात्री का माना भी आना होता है, अता अमरुल्लाही अल्लाह को आ गया, तर्जुमा जब आप करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कभी ये आना भी हो सकता है, कभी ये जाना भी हो सकता है, जब वो जाता है हर ग्रुप के पास या जब वो आता है हर ग्रुप को, लाना तब होगा अगर, हाँ लाना इस वजह से हो सकता है क्योंकि आगे बा लगा हुआ है, तो बा जो है वो क्या करता है, बा एक बा का एक फंक्शन ही होता है, जी जी ऐसे भी कर सकते हैं, बा का एक फंक्शन होता है कि बा जो है मुतअद्दी कहलाता है, कि बा फेल लाजिम को मुतअद्दी कर देता है, मुतअद्दी कैसे, जैसे कि ज़हबा है, ज़हबा का मतलब क्या होता है, गया, मुतअद्दी है, लाजिम है, लाजिम है, तो मक़ूल की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़हबल्लाहु बी नूरी है, अब इसका क्या तर्जुमा करते हैं, अल्लाह ले गया, ले गया क्या है, लाजिम या मुतअद्दी,
मुतादी, आप ले जाएंगे किसी चीज को, ठीक है, आना लाजिम था, जाना लाजिम था, ले जाना मुतादी हो गया। तो कभी कभी बा क्या करता है, फेल लाजिम को मुतादी करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है जो कि, उसको छोड़ो, इस ये कलिमा से जदीदा सलमान साहब ट्रेन रोक रहे हैं, अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन, जो आता है एक ग्रुप के पास एक चेहरे से, दूसरे ग्रुप के पास दूसरे पास चेहरे से, मुश्तुन का क्या मतलब था, कंगी, उसकी जमा अमशाकुन, बेखद्दा क्या था, जब मखाद, खद कहते हैं चीक को, तो बेखद्दा जहाँ पे आप अपना चीक रखते हैं चेहरा, तकिए पे, जर व जमा अजरार बटन, मेर आतुन व जमा मखद्दा, मीम भी है इसमें, मखद्दा तुम नहीं, खद कहते हैं गाल को, मखद्दा वो जगह जहाँ पे आप गाल रखते हैं, पिलो, आप सर रख के भी सो सकते हैं, लेकिन सुन्नत क्या जी, मखद्दा का मतलब तकिया, जी तकिया, मिर आतुन व जमा मराया, मिर आयना, अल मुस्लिम मिर आतुन मुस्लिम, लिसुन व जमा लुसूस, आयना, लिसुन जमा लुसूस, लिस चोर, जुनैहुन जमा जुनैहाद, मिस्र की करेंसी, पाउंड को कहते हैं, मुफीदुन फायदेमंद, असीरा अतफसीर आप पढ़ चुके हैं, जबह यजबह जबह करना, शरह यशरह शराह करना, ठीक है, मुख्तलिफ माने हैं यहाँ पे फिलहाल, शराह करना का ये इंशराह सदर है, बी शराह इशराह जैसे तशरीह करने के माने भी आ सकता है, खुलने के माने भी आता है, सीरत नहीं ये तो सब्जेक्ट है ना, असीरा व तफसीर सारा यसीरो, ये आप सीरत में पढ़ गया मुझे नहीं याद है, वैसे सारा यसीरो का माना होता है चलने का या सैर करना, जबर बताया फिर आप मुझे, इतने बड़े आलम दीन आपको बताया आप, मतलब मुझे मुझे आप चेक कर रहे सही है, सही एग्जाम आने तो मैं बताता हूँ, ठीक है जी। तो अलहमदिल्ला हमारा एक चैप्टर रह गया है मेजरली बिफोर एग्जाम्स जी, आपका सवाल भी रह गया, कर ले तब तक अजान के दौरान आप कर ले, कल तो नहीं फिर मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, ये आप शब्रीज भाई आप मुझे अगर अलग से मैसेज कर दें मैं आपको इसका अलग से इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد मेरे ख्याल में क्लास स्टार्ट हो गई है और पार्टी खत्म हो गई, जो बाब हम पढ़ रहे थे वो कौन सा था, खौफ के बारे में पूरा हो गया था, कैसी जा रही है आप लोग किताबु तौहीद, किताबु तौहीद कुछ तौहीद समझ में आ रही है, باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين किताब तौहीद के पुराने लेक्चर्स मेरे मिल जाना पॉसिबल है, जी हाँ यमकिन यमकिन मुमकिन है जी, मुमकिन है, और वो इस तरह से कि आप अभी सेकंड ईयर है ना, पिछले साल जो सेकंड ईयर में हमने पढ़ा है वो किताब तौहीद हम नुशरा शुरू से लेकर नुशरा तक मैंने पढ़ाई किताब तौहीद, बाबू माजा फिर नुशरा, ठीक है नुशरा मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया ना इस साल, तो शुरू से लेकर पिछले साल मैंने शुरू से बाबू माजा फिर नुशरा तक पढ़ाया, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का चेंज हुआ है, पहले जो है वो किताब तौहीद सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती थी बस, ठीक है, फर्स्ट ईयर में दूसरी अकीदे की किताब छोटी सी पढ़ाई जाती थी, लेकिन आप लोगों के उसमें आप लोगों के टाइम पे चेंज हो गया, फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में आप किताब तौहीद हो गई, तो जो आप मुझसे सेकंड ईयर में किताब तौहीद पढ़ें वो जो बाकी का आधा हिस्सा वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड हाफ ऑफ द बुक वो वाली पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाफ आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो अगर जिसको किताब तौहीद का पहला पार्ट जो है वो आपने लेना है तो वो एडमिन से गुजारिश कर लें या किसी से भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे गुजारिश कर लें कि पिछले साल के सेकंड ईयर के अकीदा के लेक्चर दे दें,
तवक्कुल के बारे में बाब है। मोहम्मद माज, सैयद माज, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी एज अ लिसनर, एज अ लिसनर सेकंड ईयर में आ गए, और वैसे फर्स्ट ईयर में, और फिर इम्तिहान में थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर। अच्छा तवक्कुल के बारे में बाब है। तवक्कुल क्या होता है भाई, पता है? इतना सिंपल नहीं है तवक्कुल, यकीन। हाँ भाई सलमान, तवक्कुल क्या है? तवक्कुल निस्फ़ दीन है, दीन आधा दीन है, आधा दीन तवक्कुल है, और आधा दीन क्या है? इबादत। इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, फअबुदहु वतवक्कल अलैह, फअबुदहु अल्लाह की इबादत करो, वतवक्कल अलैह और इसी पर तवक्कुल करो। इय्याका नअबुदु इबादत, और इय्याका नस्तईन, नस्तईन इस्तियानत में, मदद तलब करने में तवक्कुल है। अलैहि तवक्कलतु वइलैहि अनीब, उसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ, उसी की तरफ इबादत के लिए रुजू करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तवक्कुल आधा दीन है। तवक्कुल क्या है? आधा दीन तो है क्या? नहीं नहीं वाकई, जैसे कि सूरह इखलास जो है वो सुलसुल कुरान है, तो वाकई सुलसुल कुरान है। कैसे सुलसुल कुरान है? मौजू के एतबार से सूरह फातिहा पूरा कुरान है। दीन क्या है जो कुरान में बयान हुआ? कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का खुलासा इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, दीन का खुलासा इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु इबादत, इय्याका नस्तईन तवक्कुल, दीन आधा तवक्कुल आधा दीन। अजर के एतबार से भी है, माना के एतबार से भी है। बाद अहले इल्म ने फरमाया कि अजर के एतबार से है, माना के अजर के एतबार से, क्योंकि माना के एतबार से, इसीलिए आप देखते हैं कि अहले इल्म फरमाते हैं जो इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये वाली जो हदीस है ये सुलसुल इस्लाम है, इस्लाम का एक तिहाई है। क्यों? क्योंकि इस्लाम कंप्राइजेस ऑफ दिल से, दिल की नीयत, आज़ा से अमल और जबान से कौल, ये तीन चीज़ें हैं। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, दिल की नीयत, तो वन थर्ड हुआ ना इस्लाम का, ठीक है, इस्लाम का वन थर्ड हुआ नीयत। यानी इस अलग अलग एतबारात हैं, अलग अलग सोचने के अंदाज हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, जिस वजह से इसको, इसी तरह बहुत सलफ ने इन्नमल आमालु बिन्नियात यानी इखलास को दीन का आधा दीन करार दिया। वो किस एंगल से? वो इस एंगल से कि अमल की कबूलियत की दो शरायत हैं, एक सुन्नत और दूसरा इखलास। इन्नमल आमालु बिन्नियात आधा दीन हो गया। तो जिस एंगल से देखो उस एंगल से ये प्रोपोर्शन डिवाइस किया जाता है। जनाब तवक्कुल क्या है? तवक्कुल जी बताएं, तवक्कुल क्या है? क्या है? मुकम्मल यकीन। तो यकीन हुआ, तो यकीन हुआ, सपोज कर देना जी सिस्टर्स, ये तवक्कुल के असरात में से है। तवक्कुल क्या है जी? तवक्कुल क्या है? तवक्कुल जो है वो दो चीज़ों का नाम है। पहली चीज़ जिसको एतमाद और तफवीज कहते हैं, दूसरी चीज़ जो है उसको बज़लुल असबाब। तफवीज का मतलब है अपने तमाम कामों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तफवीज वो फ़विदु अमरी इलैह, अल्लाह के तफवीज़ कर देना, यानी कहते ना कि इसको बिल्कुल सपोर्ट कर दिया मैंने, एतमाद करना, तफवीज़ करना, बज़लुल असबाब, असबाब इख्तियार करना। ये दिल से होता है और ये जवारे से होता है। इसका मतलब ये है कि तवक्कुल फेले कल्बी भी है और आज़ा से भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसे तवक्कुल करो जैसे कि तवक्कुल करने का हक है, तो तुम्हें ऐसे रिस्क ज्यादा है जैसे कि एक परिंदा खाली पेट निकलता है, निकलता है असबाब, यानी असबाब इख्तियार करता है, ठीक है, खाली पेट निकलता है और जब वापस आता है तो भरा हुआ पेट होता है।
मतलब असबाब तो होंगे, इसीलिए जो अहले इल्म इसकी तारीफ करते हैं वो क्या है, तवक्कुल की अल हरकतु बिला सुकून वस्सुकून बिला हरका। क्या मतलब, हरकत करनी है आपने किस में, असबाब में, लेकिन आपका दिल तफवीज और एतमाद के बारे में सुकून में हो। हरकत करनी है, साकिन नहीं रहना असबाब में, लेकिन एतमाद करना है आपने, आपका दिल सुकून में हो कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, बस अब कोई टेंशन नहीं, अब इस्तराब नहीं है, बेचैनी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बेकरारी नहीं है, इस्तराब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हरकत नहीं होगी, बेकरारी से नहीं, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल क्या है, तवक्कुल की मिसाल अहले इल्म फरमाते हैं कि ऐसी है जैसे कि एक शख्स जो है वो अपने वालिद साहब के साथ, एक छोटा सा बच्चा है अपने बाप के साथ एक जंगल में निकल जाता है, उसको अपने बाप पर कितना यकीन होता है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे छोड़ेगा नहीं यहाँ पे दरिंदों के सामने, और अगर कोई दरिंदे आ भी गए तो मुझे बचा लेगा, बिल्कुल कंप्लीट एतमाद होता है अपने बाप पर। तो ये एक तवक्कुल, अल्लाह पर जो इंसान तवक्कुल करता है वो क्या करता है कि अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न होता है, और बिल्कुल उफ़व्विदु अम्री इलैह, अल्लाह पर तफवीज करना। हाँ, किसकी हदीस है, हदीस है, तो एक और भी है तवक्कुल में, तवक्कुल कहते हैं जिसमें इत्तिसाल वन इन्फिसाल हो, असबाब के साथ इत्तिसाल हो, यानी असबाब को वो ले ले और फिर असबाब से ही इन्फिसाल हो, यानी असबाब के साथ इत्तिसाल हो, किस हैसियत से, जवारे की हैसियत से, और कल भी हैसियत से इन्फिसाल होता है, बिल्कुल अलग, दिल वहां हो ही नहीं। चाहिए किसी जानने वाला, कोई जानने वाला आपका उसकी सर्जरी हो रही है, सर्जरी करा रहे हैं, डॉक्टर पर दिल नहीं लगावा, हॉस्पिटल पर दिल नहीं लगावा, दिल लगावा अल्लाह से, इत्तिसाल वन फिसाल, बज़लुल अस्बाब, अस्बाब को इख्तियार करना। इत्तिसाल का मतलब जोड़ना, इन्फिसाल का मतलब अलहदा होना, बज़लुल का मतलब यह है कि इख्तियार करना। हाँ, ज़मीर मुनफसिल और मुत्तसिल नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो फिर तो तर्जुमा नहीं पूछना चाहिए था। जवारे का मतलब है आधा, हाफिज़ इब्न हजर फ़तहुल बारी में तवक्कुल की तारीफ फरमाते हैं कि ये जो है वो तवक्कुल क्या है, तवक्कुल ये है कि असबाब को इख्तियार करके असबाब से नजर हटा लेना। ये वही सारे माने हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूँ, किसी को क्या समझ में आ जाए, किसी को कौन सा माना समझ में आ जाए, ठीक है जी, बात यही है। हाँ, असबाब इख्तियार करना, लेकिन असबाब पर एतमाद नहीं करना, असबाब के साथ अपना दिल नहीं जोड़ लेना, ठीक है। जितनी अल्लाह ताला की मार्फत होगी, तवक्कुल के लिए तौहीद रुबूबियत और तौहीद असमा व सिफात, इन दोनों की मार्फत जरूरी है। तौहीद रुबूबियत कि वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही मुदब्बिर है, जितना तौहीद रुबूबियत स्ट्रांग होगी, और जितनी तौहीद असमा व सिफात कि वही अलीम है, वो कदीर है, वो आलम अलगैब है, वो जब्बार है, वो कहार है, जितनी असमा व सिफात और तौहीद रुबूबियत स्ट्रांग होगी उतना आपका तवक्कुल भी स्ट्रांग होगा। और सिर्फ तवक्कुल अल्लाह ही पर करना, ये तो उलूहियत है, क्योंकि तवक्कुल क्या है, इबादत है। हाँ, अल्लाह ही पर भरोसा करना है। तवक्कुल का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज का हुक्म देता है तो वो क्या हो जाती है, इबादत। इसका मतलब यह है कि अगर इबादत किसी और के लिए अंजाम दी जाए तो वो क्या होता है, शिर्क अकबर। लिहाजा तवक्कुल अगर किसी और पर किया जाए तो वो शिर्क अकबर होगा। तवक्कुल के यानी शिर्क अकबर कब बनता है, तवक्कुल जब गैरुल्लाह पर किया जाए तो वो शिर्क अकबर कब बनता है। पहला ये है कि इसको लिख देता हूँ, ये हो गया ना,
तवक्कुल शिर्क अकबर बनता है कब, जब गैर अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए, यानी अमवात पर मुतलकन तवक्कुल किया जाए, मुर्दों पे मुतलकन, मुतलकन कि ये मुझे बचा लेगा, ये मेरी बिगड़ी बना लेगा, मेरी मेरी सुनता है, मैं इस पे भरोसा करता हूँ, मुतलकन। मैं समझाता हूँ उसको, भी आप बीच में नहीं बोलिएगा, मैं इसको समझाता हूँ फिर इंशाल्लाह आपको वादे हो जाएगा। जो गायब है यानी जो हाजिर नहीं है, जो जिंदा है लेकिन गायब है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उस पर भी मुतलकन तवक्कुल करना शिर्क अकबर है। और जो हाजिर है, फीमा ला यकदिरु अलैह, उस हाजिर शख्स पे जो आपके सामने है, उस मामले में उस पर तवक्कुल करना जिसकी उसको कुदरत नहीं है, ये भी शिर्क अकबर है। यानी मुर्दे पर मुतलकन तवक्कुल करना जिस पर वो कादिर है या जिस पर वो कादिर नहीं है। वैसे तो मुर्दा किसी चीज पर ही कादिर नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मुतलकन लिख दिया। किसी मामले में भी मुर्दे पर तवक्कुल नहीं किया जाएगा। एक बंदा आता है और साहिब कब्र के पास जाता है कि मैंने देख चढ़ा दी, अब ये कल सिफारिश हो जाएगी मेरी। इसने सिफारिश के मामले में मुर्दे पर तवक्कुल कर लिया, क्या हो गया ये? शिर्क अकबर। सही है। या एक आदमी जाता है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आके उनसे दरख्वास्त करता है कि या रसूलुल्लाह कल को मेरी कयामत वाले दिन सिफारिश करा लेना, कर लेना। ये एक अमवात पर तवक्कुल हो गया शिर्क अकबर। एक तो गैरुल्लाह को पुकारा भी, पुकारना भी इबादत है, वहां से भी शिरक हो गया और तवक्कुल के अतबार से भी पुकारता बंदा, इसीलिए तो उसको तवक्कुल होता है, उस पर भरोसा होता है। गायब जो है वो जाहिर सी बात है, वो गायब, एक बंदा अमेरिका, एक पीर साहब है अमेरिका में बैठे हुए, आप उसको पुकार रहे हैं, ठीक है, या उस पर तवक्कुल कर रहे हैं कि बस वो है ना अमेरिका में पीर साहब बैठे हुए, वो देख रहे हैं सब कुछ, मामला सेट है। तो यहाँ पे भी मुतलकन, क्योंकि वो किसी चीज पर आपकी कादर ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी। और ये हाजिर है, बंदा हाजिर है लेकिन उस चीज पर कादर नहीं जिस चीज पर आप उस पर तवक्कुल कर रहे हैं, ये भी शिर्क अकबर है। हाँ, इसके साथ क्या कह रहे हैं? मुतलकन मतलब एक तरीके से भरोसा हो सकता है उसको, अभी हम आएंगे आगे, उसको तौकील कहते हैं, वकालत कहते हैं। वकालत और तवक्कुल में फर्क है। जी हाँ, तो मुशरिकीन मक्का भी ये कहते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इला अल्लाह ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत नहीं करते मगर ये तो इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, ठीक है। तो वो मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, शिर्क अकबर था क्योंकि वो वसीला बनाने में उनकी इबादत करना शुरू करते थे, उनको पुकारते थे मुसीबतों में, उनके नाम पर नजर व नियाज़ करते थे, चादरें चढ़ाते थे। नहीं, यही तो मुशरिकीन मक्का का मसला था, वो भी तो यही कहते थे। जरिया कैसे उसकी, उसकी उसमें कुदरत ही नहीं है। आप अल्लाह, आप जरिया उसको तब बनाएंगे कि जब अल्लाह जैसी सिफात उसके अंदर मानेंगे, हाजिर नाजर मानेंगे, ये मानेंगे कि ये सुनता है मेरी, मेरी हाजात को पूरा करने पर कादिर है। हाँ, तो ये शिर्क नहीं है, बिदत है, ये बिदत है, हराम है। लेकिन ये अगर दुआ अल्लाह से की जा रही है और नाम का वसीला दिया जा रहा है तो फिर ये बिदत है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले किताब तौहीद के पहले हिस्से में कि वसीला तवस्सुल का पूरा बाब है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं आ रहे, टॉपिक पे चलते हैं, बस पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा और। बाकी जो है वो शिरके क्या बता रहा था मैं, जी हाँ, तो शिरक अकबर जो है वो तवक्कुल इस तरह बनता है, ठीक है। लेकिन अगर शिरक असगर ऐसे बनेगा कि अगर किसी शख्स पर, किसी असबाब पर थोड़ा सा एतमाद हो, मतलब इस तरह से कि इल्तिफात उसको कहते हैं, एतमाद ना कहें इल्तिफात कहते हैं। अगर जैसे कि असबाब इख्तियार करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, मिसाल के तौर पर रोज़ी के लिए आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, असबाब इख्तियार करते हैं उस रोज़ी को कमाने के लिए, लेकिन इन असबाब की तरफ इल्तिफात हो जाए, इल्तिफात किसको कहते हैं, तवज्जो हो जाए। तवज्जो मतलब कि थोड़ा सा खौफ लगा रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मैं हलाक हो जाऊंगा। अगर असबाब की तरफ तफवीज हो जाए या एतमाद कह लें, ये एतमाद अरबी वाला एतमाद है, ठीक है, हम ये आम उर्दू वाला भरोसा नहीं है जब हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है,
ये वो ट्रस्ट नहीं है, एतमाद अरबी वाला एतमाद है, एतमादा या एतमेदू, जिस पर एतमाद कहते हैं जिस पर आपने, मिसाल के तौर पर मैं कुर्सी पर बैठ गया, मोतमद हो गया कि अब मैं गिरूंगा नहीं, मैंने क्या टेंशन ली लिया कि यार मैं ऐसा ना हो कि ये कुर्सी मुझे गिरा ना दे, क्यों, क्योंकि कुर्सी बनी इसीलिए कि मुझे होल्ड कर ले, अब मैं गिरूंगा नहीं इसके, मैंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा, क्यों, क्योंकि कुर्सी पर इतना मुझे एतमाद है। ठीक है, तो अगर असबाब के साथ ऐसा किया जाए, असबाब के साथ ऐसा किया जाए, वो असबाब जो है वो डॉक्टर से इलाज कराने वाला हो या सर्जरी हो या दवाई हो या रिस्क हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, अगर असबाब, असल में कहते हैं कि अपने दिल को मुअल्लक कर देना, उसको उस अपना दिल उसको दे देना, बस यही है, तो ये फिर शिर्क अकबर होगा और ये होगा असगर। फर्क समझ में आ रहा है, बारीक से फर्क होते हैं। ठीक है, इन चीजों में ये अल्फाज में नहीं समझाया जाती ज्यादा चीजें, क्योंकि अफ़ाल कुलूब में से हैं। ये अल्लाह ताला बंदे को कैसे समझाता है, जितना उस बंदे के दिल में बसीरत होती है, नूर होता है, मसल नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह, इसके अहले तफसीर कहते हैं कि अल्लाह का नूर एक मोमिन दिल, मोमिन के दिल के अंदर, जिससे वो हक और बातिल को देखता है, जिससे वो हक और बातिल की माफ़त करता है। मैं शायद आपको अल्फाज में तवक्कुल इतना ना समझा सकूं, जितना इंसान, ये इंसान की दिल की रोयत होती है, दिल की बसीरत होती है। हाँ, ईमान मजबूत होगा और दिल के अंदर नूर होगा, अल्लाह ताला ने, आप लोगों ने नहीं, आप लोगों को नहीं पढ़ाया सूरह नूर, हम मैं थर्ड ईयर में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ की हमने वजाहत की थी कि ये नूर जो होता है बंदे के दिल में, ये बड़ा कीमती होता है। हाँ, ये ईमान जो है वो जितना बंदे के अंदर नूर होगा, जितना ईमान होगा, जितनी मारफत होगी, उतना वो इन चीज़ों में फ़र्क करेगा। मैं आपको यहाँ पे शायद यहाँ से यहाँ कैसे आता है बंदा, अल्फाज में शायद ना समझा सकूँ, लेकिन हर बंदा अपने हाल से खुद वाकिफ़ है, और अगर उसके अंदर नूर बसीरत होगा तो फिर वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेगा, लेकिन अगर उसका ईमान कमज़ोर होगा तो फिर वो यहाँ से वहाँ फौरन शिफ्ट मारेगा। ठीक है, तो इल्तिफात क्या है, मैंने आपको शायद एक मिसाल से भी पहले, मैं उमूमन ये मिसाल दिया करता हूँ, शायद इस मिसाल से इस फर्क को समझ में आ जाए, ये फर्क समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर आप बीमार हुए, आपने दवाई ली, आप बीमार हुए और आपने दवाई ले ली, और आपके जहन में ये है कि बस दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, सेट हो जाऊंगा, असबाब की तरफ इल्तिफात था। ये कैसे पता चलेगा कि मेरा दवाई की तरफ इल्तिफात था, कि अगर आपको ठीक नहीं होता तो आप मायूस हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, यार मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने दवाई खाई थी, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए था कि दवाई में असर डालने वाला कौन है, अल्लाह। आपको ये मायूसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो मुझे इस दवाई के जरिए ठीक कर देता। तो अगर असबाब के काम ना करने से आपको मायूसी हो रही है, वापस से असबाब के काम ना करने से आपको मायूसी हो रही है, तो ये इल्तिफात है असबाब की तरफ, तवज्जो है, कि जैसे ही उसने फायदा ना दिया आप हिल गए, यार ये क्या हुआ मेरे साथ। ये जो है ना, ये हल्का सा आपको मायूस करता है, ये आपको डिप्रेशन के स्टेट में डाल देता है, आप मुस्तकिल डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप बिल्कुल जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। हाँ हाँ, मुस्तकिल ना उम्मीदी, अगर असबाब ने आपका आपको फायदा ना दिया तो इसमें आपको थोड़ा सा झटका लगता है, इसका मतलब हम कितना, इसमें तो बहुत लोग होते हैं और इसमें भी होते हैं, तवक्कुल के बाद में बहुत लोग फेल हैं। ये तवक्कुल समझाना आसान है, मुसीबतों के वक्त तवक्कुल करना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना ही बहुत मुश्किल काम है। एक एक घंटे का लोग दर्द दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत वाकई आती है ना, तो उस मौके पर हसबुनल्लाह व निअमल वकील ये निकलना, ये बड़ी बात है। ये सिर्फ खलीलुल्लाह की निकली थी आवाज़ें, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उस मौके पर, हसबुनल्लाह व निअमल वकील, फिर क्या हुआ, या नारु कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ओहद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा को बड़ी तकलीफ पहुंची, आप लोग सब जानते हैं, उन उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा को कहा गया कि लोग आपके खिलाफ जमा हो गए, वापस आ रहे हैं काफिर, क्या कहा उन्होंने, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। ये बात निकलना और ये बाकी मुसीबत को आसान भी कर देती है, उस मौके पर, शदीद मौके, इस तकलीफ के मौके पर
ये निकलना, ये तवक्कुल की, ये पाए के लेवल का तवक्कुल होता है, और सिर्फ जबान से नहीं निकलता, ये दिल से निकलता है। आप देखें ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल क्या था। आप अगर इमेजिन करें, अगर आपको इस तरह से कोई आपके साथ ये सिचुएशन आए, तो हम तो सहारे ढूंढेंगे, यार मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। हाँ तो बहरहाल आएगा इस पर इंशाल्लाह, हसबुनल्लाह व नियमल वकील के बारे में जो अहदीस वगैरह हैं इस बाब में आएंगी। हाँ ये सब तवक्कुल, ये यकीन है, यकीन जब होगा तो तवक्कुल होगा, अल्लाह पर यकीन होगा तो तवक्कुल होगा, ये प्री रिक्विजिट है। आप लोग जितनी जो तवक्कुल की तफसीरें कर रहे थे, या तो प्री रिक्विजिट की कर रहे थे या तवक्कुल के नतीजे की तरफ आपके वो था। कोई कह रहा है तवक्कुल क्या है, यकीन है, कोई कह रहा है तवक्कुल क्या है कि मैं बहुत सी तफसीरें की गई, लेकिन यकीन ज़रूरी है। यकीन कब आएगा? इल्म से, इल्म होगा तो यकीन होगा। इसमें इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है, और जिंदगी बिल्कुल जिंदगी से बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है अगर असबाब वहाँ पे फायदा ना दें। मिसाल के तौर पर सुसाइड जैसे ख्यालात आ रहे हैं इंसान को, इस तरह के, यार मैं तो बर्बाद हो गया, बस अब कोई जिंदगी में रहा ही नहीं। बहुत से लोग जिनके करीब ही लोग फौत हो जाते हैं, जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या जो इनका सहारा बने हुए थे, तो जब वो फौत हो जाते हैं तो वो इस हालत में चले जाते हैं कि इनका कल बिल्कुल मुअल्लक था उनसे। वो कहते हैं यार अब तो बस अब जिंदगी का फ़ायदा ही। वो असबाब के साथ लटका हुआ होता है, असबाब गए तो ये भी गया, ये मतलब है। मुअल्लक का मतलब लटका हुआ होना। ये मैं एतमाद का मतलब समझा रहा था। एतमाद ये होता है कि मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैं मोतमद हो गया बस, अब मैं बार बार इसको नहीं देख रहा कि पता नहीं गिरेगी तो नहीं, ठीक है। ये मैंने डस्टर यहाँ रख दिया, अब मैं इस पर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, मैं बार बार मेरी तरफ, मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा कि ऐसा ना हो जाए कहीं गिर जाए, कहीं टेबल टूट जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोतमद हो गई बस। तो उसका मतलब यह है कि जो बंदा जिस पर एतमाद करता है, अरबी वाला एतमाद यानी तवक्कुल, जिस पर तवक्कुल करता है, वो फिर ये सोच छोड़ देता है कि ये होगा कैसे। अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया आपने कि अल्लाह आपको खिलाएगा, अब होगा कैसे ये छोड़ दे, ये अल्लाह करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जैसे कि आपने बताया, आगे दरिया था, समंदर था, और पीछे फिरौन का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन ने कहा इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े जाएंगे। कल्ला इन्ना रब्बी, इन्ना मा रब्बी सय्यदीन, मेरे साथ मेरा रब है, मुझे जरूर कोई रास्ता निकालेगा। ये मुझे नहीं पता कैसे निकालेगा, बट मुझे ये पता निकालेगा। तो ये हमें अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, बस ये मुझे पता है। मेरा हाथ कट रहा है, ठीक है, मुसीबत आ रही है, घर उखड़ गया है, सैलाब आ गया है, अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, ये मुझे पता है। सामने बड़ी तूफान चल रहा है, आंधियां चल रही हैं, ये मुझे दिख ही नहीं रही चीज़ें, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया। अच्छा माइक लें, आप लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, और ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हमें नहीं कुछ पता चल रहा क्या क्या सवाल चल रहे हैं और क्या जवाब दिए जा रहे हैं। तो जो भी आप सवाल करेगा वो माइक में करेगा, और जो सवाल नहीं करेगा, जो सवाल माइक के बगैर नहीं करेगा, नहीं जो माइक के बगैर सवाल करेगा जवाब भी वो खुद ही देगा, नहीं देगा जवाब तो उसके मार्क्स कटेंगे। मैं मार्क्स लिख लूँगा, आप पेपर लिख लें, पेपर आप रख लें कि जो माइक के बगैर सवाल करेगा जवाब भी वो खुद देगा, सही जवाब नहीं देगा तो एक तो इससे दो चीज़ें हल हो जाएंगी, एक तो सवाल आप लोगों के कम हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ा सकूंगा सुकून से, दूसरा आपके पेपर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो असाइनमेंट आएगा 15 मार्क्स का वो तो पहले ही कटे हैं, तो मैं चेक ही नहीं करने। चलो भाई ठीक, जैसे आपने बोला था कि अरबी वाला एतमाद होता है, जैसे आप कुर्सी बैठे और बिल्कुल पूरा कामिल यकीन से बैठे कि आप ये बैठ गए तो ये टूट नहीं सकते, मुझे सारा दे रही है, तो अगर कोई इस नियत से बैठे कुर्सी पे तो शर्क अकबर होगा। नहीं, मैं एतमाद का मतलब समझा रहा था आपको। सही, मैंने कुर्सी पर तवक्कुल थोड़ी किया हुआ है, ये तो बेजान चीज़ है ना। अगर वो इस नियत से बैठे, जैसे आपने अरबी वाले एतमाद से कोई बैठे कि अब ये इस पे एतमाद कर लिए, पूरा आप ये अल्लाह पे एतमाद नहीं किया, इस पे एतमाद कर लिए कि वैसे ये बचाएगा, ये टूटेगी नहीं, सारा दे रही मुझे। नहीं मतलब ये तो नॉर्मल रूटीन में, मैं नहीं इसको अल्फाज में समझा सकता कि मैं इसको कैसे अलग करूँ, ये वो नहीं है। तो मैं एतमाद का मतलब समझा रहा था कि एतमाद ये होता है कि बस आपने जब जिस चीज़ पर एतमाद कर लिया तो अब आपने उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया। ये जब मैं कुर्सी पर बैठ गया तो अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि हालांकि मेरे माइंड में ये पॉसिबिलिटी है कि कुर्सी टूट सकती है अल्लाह के हुक्म से, शिरक अकबर नहीं है मेरे माइंड में, है ना भाई, किसी के माइंड में है कि नहीं कुर्सी टूट ही नहीं सकती, बस मैं तूफान आ जाए आंधी आ जाए कुर्सी नहीं टूटेगी,
ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर शर्त पर है, ठीक है, तो इसको ये दूसरी साइड है इसको। हाँ हाँ हाँ, कुर्सी टूटते हुए देखी है, मैंने भी देखी है, बंदा बैठा हुआ है, बैठे बैठे गिर गया, कहाँ गया? वो मेरे ख्याल में उस तरह की आपने कुर्सियाँ नहीं देखी कि एक कुर्सी होती है उसके ऊपर एक वो रखा होता है, एक हाँ रखा होता है, हाँ मतलब वो फोम टाइप रखा हुआ होता है, वो नीचे से निकल जाता है, तो बंदा भी आधा नीचे। तो ऐसे लोगों को देख के फिर हमें कुर्सी पे बैठ के सोचना चाहिए कि वाकई हाँ एतमाद नहीं करना चाहिए, या कम से कम आपने ऐसे लोग तो देखे होंगे। कुछ टाइम पहले मैं उमरे पे गया था और मेरा बेटा और मेरी वाइफ वो औरतों के सेक्शन में थे, और बेटा उस वक्त छोटा था, अभी भी छोटा ही है, उस वक्त थोड़ा पहले ज़्यादा छोटा था कि उसने ये हरकत कर ली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका कुर्सी पर एतमाद इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो एक आंटी थी, वो नमाज में थी और वो कुर्सी में नमाज पढ़ी थी, रुकू के लिए वो खड़ी हो गई, तो अब जानते हैं कि वो मेरे बेटे ने क्या हरकत की, वो थोड़ा सा कुर्सी पीछे कर ली, और जब आंटी बैठी तो कुर्सी पे नहीं बल्कि ज़मीन पे बैठ गई, तो उसकी वजह से जो उन्होंने हंगामा किया, मेरी वाइफ को जो सुनाया और फुल ऑन सीन हो गया था, तो अब वो वाइफ की ज़बान नहीं समझे, वाइफ उनकी ज़बान नहीं समझे, वो चिल्ला रही है, वाइफ भी कह रही पता नहीं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही होगी। तो इंशाल्लाह आपका ये किससे सुन के जाना, कुर्सी पर एतमाद कम हो जाना चाहिए, कि बच्चा भी आपकी कुर्सी को पीछे से हटा सकता है। एक सेकंड ना, तवक्कुल कौन सा बाब है पता है? सर्फ में कौन सा बाब है? बाब कौन सा है? तफील, इफ़ाल, तफाउल, तफाउल, सोचें जरा। तवक्कल, तवक्कलु, हाँ तो कौन सा बाब है? तवक्कुल, तफाउल, ठीक है, तफाउल है। पढ़े आप लोगों ने बाब? ये नहीं पढ़े? अच्छा चले जी, अब आगे हम चलते हैं जी। और वो ये है जी, हाँ एक बात आपकी वो रह गई थी, तवक्कुल और तौकील में क्या फर्क है? देखिए जी, तवक्कुल क्या होता है कि इंसान, ये वकील से है ना, इंसान जब वकील अपनाता है, लॉयर, वो क्या करता है वकील को? अपने काम सौंपता है, ठीक है। तो तवक्कुल भी इसी से निकला है, एक होती है तौकील, एक होती है तौकील, और एक होता है तवक्कुल। तौकील क्या होता है? ये वकील से है, वकालत, या किसी को नायब मुकर्रर करना कि आप मेरे बिहाफ पर वो काम कर लो। जब आप किसी को अपना वकील मुकर्रर करते हैं तो आप पूरा नहीं, थोड़ा सा तो टेंशन फ्री हो जाता है ना कि ये मेरे बिहाफ पर कर देगा। जितना अच्छा वकील होता है उतना आप टेंशन फ्री होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आप मोतमद तो नहीं हो जाते ना, एतमाद तो नहीं कर बैठते उस पर कि बस अब तो कोई मसला ही नहीं है। तवक्कुल में जो है ना, तफवीज का माना है, ये वकालत का माना है, इसमें तफवीज का माना है। तफवीज का माना यही है कि अपने आप को आजिज समझकर अपने तमाम काम अल्लाह को सौंप देना, तमाम असबाब के साथ इस्तेमाल करके। फवदा युफविदु तफवीज, बाब तफईल है, हाँ फवदा यानी सुपर्द करना, Disposing of one's affairs to Allah. जब आप किसी को डिस्पोज ऑफ करते हो तो क्या होता है, क्या मतलब है इसका? भूल जाते हो ना किसी चीज़ को, जब आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? भूल गया, ठीक है, दे दिया, भूल गया, यही है कि बस अल्लाह के सुपर्द कर दिया। बहुत लोग समझते हैं कि तवक्कुल सिर्फ जो है ना रिस्क के मामलात में होता है या मुसीबत में होता है, ऐसा नहीं। सबसे जो आला दर्जे का तवक्कुल होता है वो इबादत के मामले में होता है, इसीलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या कहना बताऊँ कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी इबादत करने में तुझी पर तवक्कुल करके तुझी से मांगते हैं। तो ये आला दर्जात के तवक्कुल है। अंबिया अलैहिस्सलाम के जो तवक्कुल होते थे वो इबादत के मामले में होते थे, इबादत के मामले में, इबादत पर तवक्कुल करना कि अल्लाह ताला मुझे इबादत पर कायम रखेगा, अपनी बंदगी में, अपनी मोहताजगी में, अपनी उबूदियत में कायम रखेगा। चले अब जो यहाँ पे इस बाब में कुछ नुसूस हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, पढ़ें सलमान।
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عربی والی سے پڑھوں یا اردو سے؟ عربی والی سے. باب قول اللہ تعالی وعلى الله فتوکلوا تو یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا اب تک, یہ میں آپ لوگوں کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں, جار مجرور جب مقدم ہوتا ہے تو حسر کا معنی دیتا ہے. تو حسر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ہی والا معنی, جو بیان ہو رہا ہے بس وہی ہے اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی نفی کی جائے. تو یعنی اللہ ہی پر توکل کرنا, اللہ ہی پر توکل کرو. یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ جان مجرور کو مقدم کرنے سے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. تو یہ ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ توکل کو جس صفت کے ساتھ جوڑا گیا وہ کیا ہے؟ مؤمنین یعنی ایمان والے. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ قاعدہ بھی ہے, تفسیر کا بھی ہے اور لغت کا بھی ہے اور دیگر فنون میں ہم یہ قواعد پڑھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کسی صفت کے ساتھ جوڑا جائے تو اس صفت کے بڑھنے سے وہ چیز بھی بڑھ جاتی ہے. اگر قرآن یا حدیث میں کسی حکم کو کسی صفت کے ساتھ جوڑا جائے تو صفت کے بڑھنے سے حکم بھی بڑھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ یہاں پہ جو صفت ذکر کی گئی ہے وہ صفت ایمان ہے, ان کنتم مؤمنین. اس کو کس حکم کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ توکل کے ساتھ. یعنی اگر ایمان بڑھے گا تو توکل بھی بڑھے گا. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دل میں اگر ایمان ہوگا تو توکل بھی زیادہ آئے گا. اگر انسان کے اندر توکل کی کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے. موبائل کیوں سائلنٹ پہ نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ اتنی دفعہ بجائے میں کہا بند کر دے گا بندہ. آپ حکم بڑھے گا تو صفت بڑھے گی, صفت بڑھے گی تو حکم بڑھے گا. اگر کسی کو یعنی کسی حکم کو صفت کے ساتھ جوڑا جائے تو یعنی ایمان, ان کنتم مؤمنین, یہ شرطیہ ہے نا, جملہ شرطیہ ہے. ان کنتم مؤمنین, بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا جوابی شرط محذوف ہے. شرط اور جوابی شرط پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا تو بس چھوڑ دیں. یعنی یہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, ایمان رکھنے والے ہو, تو پھر توکل کرو. یعنی ایمان کا تقاضا ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الانفال. الانفال آگے نہیں آیا پوری, بس اتنی ہے, اتنی لکھی ہوئی ہے. اردو والی میں پوری ہے, پڑھ دیتا ہوں پھر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. یہ محل استشهاد ہے, ٹھیک ہے. وعلى ربهم يتوكلون. انما المؤمنون الذين, مؤمن تو بس وہ ہیں. کون ہیں یہ؟ انما کے ساتھ, کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وجلت قلوبهم, ان کے دل وجل میں آ جائیں, ہیبت میں آ جائیں, ڈر جائیں, خوف زدہ ہو جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے. ایمان بڑھ جانے کی نشانی کیا ہے؟ عمل بڑھے گا اور دل کی کیفیت تبدیل ہوگی, کیونکہ ایمان قول و عمل, ایمان قول اور عمل کا نام ہے. یعنی دل کا قول, زبان کا قول اور جوارح کا عمل. تو اگر ایمان بڑھے گا تو ان تینوں چیزوں میں اضافہ ہوگا, عمل میں اضافہ ہوگا, دل کے عمل میں اضافہ ہوگا, اور زبان سے بھی آپ کی ذکر میں اضافہ ہوگا, اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزوں لازمی بڑھنی چاہیے اگر ایمان بڑھ رہا ہے. تو اگر قرآن پڑھ کے آپ کی یہ تینوں چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر آپ ایمان والے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا, وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. اس سے میں یہ پتا چلا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے, ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. قول, فعل اور عمل. میں نے بتایا قول اور عمل. قول دو طرح کا ہوتا ہے, ایک دل کا قول ہوتا ہے, ایک زبان کا قول ہوتا ہے. جی بھائی, ہاں کیا؟ نہیں نہیں, اب آ گئے, اب ہاتھ میں آ گئے. نہیں 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 نہیں, اب سوال کریں, سوال. نہیں نہیں نہیں, سوال سوال کریں اور جواب, سوال کریں اور جواب دیں. جی سلمان بھائی, ڈیوٹی پہ جواب دیں. آپ کیا, ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا پانچ مارکس دے کر لیں. مرجیا, تو مومنین کون ہوتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اگلی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
या अय्युहन नबी हस्बुक अल्लाह व मन तबअक मिनल मुमिनीन, ए नबी आपको अल्लाह काफी है, व मन तबअक मिनल मुमिनीन, और मोमिनीन को भी अल्लाह काफी है, और जो आपकी पैरवी करते हैं मोमिनीन में से उनको भी अल्लाह काफी है। बाज़ मुफस्सरीन ने, कुछ मुफस्सरीन ने ये भी इसकी तफसीर की है कि ए नबी आपको अल्लाह काफ़ी है और जो आपके पैरोकार हैं मोमिनीन में से वो भी आपको काफ़ी, लेकिन ये तफसीर मरजू है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस पर पुरजोर रद्द किया है, क्योंकि हस्ब ये सिर्फ अल्लाह के साथ है। हस्बुनल्लाह, हस्ब का माना क्या है, हस्बुकल्लाह, अल्लाह का काफ़ी होना हर मामले में, अल्लाह का काफ़ी हो जाना। मरजू का माना यह है कि राजे नहीं है, हाँ जिन्होंने की है वो राजे नहीं है। तो इसका माना क्या है कि ए नबी आपको अल्लाह काफ़ी हैं और उन लोगों को भी अल्लाह ही काफ़ी हैं जो आपकी पैरवी करते हैं मोमिनीन में से। व मैंने तबाया क्या मिनल मोमिनीन, हसबुक, ये हसबुक का माना यह है अल्लाह ताला का काफ़ी हो जाना किसी को। अगली आयत है, वमैन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हसबु, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। काफ़ी होने का माना क्या, थोड़ा सा और भी समझाया इसको, काफ़ी हो जाता है और किसी की जरूरत नहीं होती, काफी हो जाता है अल्लाह ताला। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि इब्न अब्बास फरमाते हैं हसबुनल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह ताला हमें काफी है, व निअमल वकील, और वो बेहतरीन कारसाज है, यानी बेहतरीन वकील है। वकील किसको कहते हैं, जिसके सुपर्द मामलात किए जाएँ। कौला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह कलमा कहा था, हीना उल्किया फिन्नार, जब उन्हें आग में डाला गया था। वकौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब उन्होंने, जब कुफ्फारे मक्का ने या शयातीन ने या लोगों ने यह कहा, इन्नन्नासा, कि बेशक लोगों ने, कद जमा उलकुम, तुम्हारे खिलाफ जो है वो एक फौज जमा कर ली है, फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना, तो बस डर जाओ इस फौज से, इस काफिर फौज से। तो इस चीज़ ने, यानी लोगों के इस डराने ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को ईमान में मजीद बढ़ा दिया। यानी जब लोग आपको डराएं, लोग आपको डराएं कि भाई अगर दीन पर आ जाओगे तो गरीब हो जाओगे, दीन पर आ जाओगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो खौफ के बजाय अगर ईमान बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, यह तवक्कुल है, तवक्कुल की अलामत है, ईमान बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ेगा, कैसे? मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम, आप जो है वो अल्लाह के लिए किसी हराम रिस्क को छोड़ते हैं, लोग आपको डराते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तुमने ये जॉब छोड़ दी तो भूखे मर जाओगे, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, और आज के हालात भी ऐसे ख़राब है, तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, तो आप अगर अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ रहे थे तो आपका ईमान बढ़ जाना चाहिए था। कैसे, क्यों बढ़ेगा ईमान, ईमान क्यों बढ़ेगा? ईमान बढ़ेगा जब वो तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी, कौल या अमल या फेल। तो तवक्कुल किया था तो तवक्कुल से, तवक्कुल अमलुल कल्ब है ना, जब अमलुल कल्ब बढ़ेगा तो ईमान भी बढ़ेगा। जी मुझे भी ज़रा जाना है, कौल हसबुनल्लाह, नहीं मैं बाकी बता, मुझे भी थोड़ा सा निकलना है जब तक हो सकता है। वो कौल हसबुनल्लाह निअमल वकील, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दोनों खलीलुल्लाह थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। खलील किसको कहते हैं, करीबी दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ एक क्यों होता है बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ आप खवातीन से पूछेंगे ना तो उनके मेरे ख्याल में 50 से बेस्ट फ्रेंड होते हैं, भाई बेस्ट होता ही एक है, खवातीन से पूछेंगे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, अगले दो दिन में दूसरी बेस्ट फ्रेंड नजर आ जाएगी, ये भी बेस्ट फ्रेंड, कितनी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, मकसद ये है कि एक से ज़्यादा, खलील एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे खलील बना दिया है, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो खलील वो, खलील मोहब्बत की इंतहा को जब पहुँच जाए ना तो वो होता है खलील। खल्लला युखल्लिलु उसे है, खिलाल करते ना दाढ़ी में वजू के वक्त, तो मोहब्बत जो है वो इंसान के जोड़ों में, खून में सैर कर गई है, खिलाल कर गई है, दाखिल हो गई है, सराब हो गई है। जैसे कि बनू इसराइल ने जब बछड़े की पूजा की तो क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए सूरह बकरा में, वो उशरबफी कुलूबहिमुल इजला, बछड़े को पिला दिया गया उनके, वो उशरबफी कुलूबहिमुल इजला, हाँ बछड़े को पिला दिया गया, हाँ वो मोहब्बत के अल्फाज नहीं है ना वहाँ पे,
वही मुराद यही है कि बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई, ये नहीं फरमाया बछड़े की मोहब्बत डाल दी गई, पिला दी गई, क्योंकि जब इंसान पीता है तो वो उसके हर पूरा सहर हो जाता है ना, जिसम के हर हर जोड़ हर हर खून हर हर हिस्से में वो चला जाता है। तो यानी बछड़े को उन्होंने खलील बना लिया था और मोहब्बत की इंतहा पहुंच चुके थे कि गोया के बछड़ा उनके उनको पिला दिया गया है। ये होती है खुल्लत, हाँ ये होती है खुल्लत, ये होती है मोहब्बत का अंदर एक एक जोड़ में दाखिल हो जाना। तो अल्लाह ये है वो दो खलील अल्लाह, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ शेख, खलील के मैंने आपने बताया कि बेस्ट है ना माइक इस्तेमाल करें। नहीं भाई बेस्ट नहीं, मैंने यही बताया, बेस्ट तो पता नहीं कितने होते हैं, खलील ये नहीं होते। मतलब खलील आपने कहा ना कि एक होता है, या तो क्योंकि आप तो सलम भी तो एक ही होता है, हाँ। खलील थे और हज़रत इब्राहिम भी थे, ये तो दो थे ना खलील अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह के लिए आप क्यों ये कानून अप्लाई कर रहे हैं, अल्लाह अच्छा अच्छा मखलूक जैसा नहीं, लही सकम इसलिए शही, सही सही। हमारे लिए खलील एक ही हो सकता है, हमारे अंदर सिर्फ एक ही महबूद की मोहब्बत आ सकती है, सही। अल्लाह ने उन्हें खलील बनाया है, समझ गए, ठीक है, उन्होंने अल्लाह को खलील बनाई, अल्लाह ने भी उनको खलील बना दिया, ये मोहब्बत का आखिरी दर्जा है, ठीक है, हो गया बाप। हाँ बस हो गया, हो गया बात, हो गया। कोई सवाल आता है तो कर लें, बाकी मेरे पास 10 मिनट हैं फिर मैं निकल जाऊँगा इंशाल्लाह, आप लोग भी जल्दी फारिग हो जाएं। अब सवाल नहीं आएंगे, नहीं अब तो आएंगे ही नहीं, मुंह बंद हो जाएगा, नहीं भी फिलहाल टॉपिक से ले लेते हैं, फिर टॉपिक से के सवाल खत्म हो जाए तो टॉपिक से हट के भी ले लेंगे। ये मेरे पे चल छोड़, क्या ये खुल्ला खुल्ला भी मज़र आता है, तकलील भी आता है, तकलीलन सही। और इसका जवाब आप देंगे, अगर नहीं देंगे तो बात करेंगे। शेख, ये जो आपने अभी तवक्कुल के बारे में जो डेफिनेशन बताई थी शुरू में, जवारह से इत्तिसाल और कल्ब से इंफिसाल, इसको एक दफ़ा शॉर्टली ब्रीफ कर दें किसको दोबारा से। ये जवारह से इत्तिसाल और कल्ब से इंफिसाल, असबाब जो आपने इत्तिसाल और इंफिसाल, इत्तिसाल असबाब के साथ आजाद के लिए, जी जी आजाद के जरिए, और इंफिसाल असबाब से दिल के जरिए, दिल के जरिए मिसाल के तौर पर शेख, एक छोटी छोटी मिसाल। ये सवाल है अलहिक्का तो बिला सुकून, ये खारिश को कहते हैं हिक्का, मैंने हिक्का नहीं कहा, मैंने किसको क्या कहा, हरका कहा है, हरका बिला सुकून। अलहरका मैंने यहाँ लिखा भी था, अलहरका बिला सुकून, ये रिपीट करते हैं, अलहरका तो बिला सुकून, सुकून बिला हरका, जी आप सीरीज चला रहे थे वो कब से चला रहे हैं बता दें आप। इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह, सैटरडे होगा, सैटरडे संडे दोनों दिन होगा। जी आप सवाल कर रहे थे, तीसरा लेवल जो है वो आधी पिंडली से ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर है, आधी पिंडली तक शर्त नहीं है, उस हदीस में यही है। बहरहाल हम इसको खिलाफ सुन्नत तो नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरी हदीस में जो है वो आधी पिंडली से ऊपर करने का के मोमिन का इजहार जो है वो तीन जगह हो सकता है, एक आधी पिंडली से थोड़ा सा ऊपर, एक आधी पिंडली, और एक जो काबेन है यानी जो कखने से ऊपर, तो आधी पिंडली से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है भाई, जायज है, इसमें कोई मसला नहीं है। खिला हाँ हाँ खिलाफ सुन्नत जो अहले इल्म फुकहा वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, वो खिलाफ सुन्नत या तो गुनाह सगीरा के माना में इस्तेमाल करते हैं, हराम के माना में इस्तेमाल करते हैं, ये अमल खिलाफ सुन्नत है, यानी नबी का तरीका नहीं है, और जो नबी का तरीका नहीं है वो गुमराही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ मतलब आप जो बात चल रही थी वो यही भी लोग कुछ लोग कह रहे थे, मतलब जो पता नहीं कौन था यही कह रहा था कि जो है उसमें खिलाफ सुन्नत है। बहरहाल मेरी बात समझ में नहीं, क्योंकि मेरे पास हदीस थी, हदीस दिखाई ना कि उसमें तो कम से कम आधी पिंडली से ऊपर किया जा सकता है, और हरा उसको नापसंदीदा या तुम नाजायज नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब बैठे थे, उनकी रान से कपड़ा उठा हुआ था, लेकिन अगर हराम तो नहीं है ना। खिलाफ सुनना फिर वो दूसरे मानों में इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये हो जाता है वही। हाँ सुन्नत कह सकते हैं, सुन्नत ही हो गई, एक मुस्तहब भी कह सकते हैं, सुन्नत मौकदा नहीं कह सकते उसको। हाँ उसके नीज से थोड़ा नीचे आ रहा है, मसला नहीं है, नीज शो हो रही है, तो बाज़ अहले इल्म जो है वो घुटनों को औरा में शामिल नहीं करते हैं, बाज़ अहले इल्म घुटनों को औरा में शामिल करते हैं, तो अगर नीज शो हो रही है तो थोड़ा सा सेफ साइड रखा जाए कि ना किया जाए। सवाल है कि तवक्कुल और रजा में क्या बारीक लाइन है, क्या फर्क है? भाई रजा जो है ना वो तवक्कुल का नतीजा है, अगर तवक्कुल है अल्लाह पर तो फिर रजा भी है, उम्मीद भी है। तवक्कुल इंसान अल्लाह ताला से उम्मीद करता है जब वो उस पर तवक्कुल करता है। चलिए सुभान अल्लाह।